गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी रीडर की बुक ओपन करो और अपनी पेंसिल अपने साथ रखो। हमारा चैप्टर 6 पोंगल एक विशेष त्यौहार चल रहा था बेटा। हमने अपनी पिछली वीडियो में अब तक पढ़ा कि गोपाल अपने मम्मी पापा के साथ कनाडा में रह रहा है। उसे वहाँ रहकर अपने दादी की, अपने गाँव की और विशेष रूप से पोंगल के त्यौहार की क्या आती है, बहुत याद आती है। एक दिन उसके पिताजी उसे आकर कहते हैं कि हम एक महीने के लिए कहाँ जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं। तो जो गोपाल होता है वो बहुत ही उत्सुकतापूर्वक एक्साइटेड होकर अपने पिता से पूछता है कि क्या हम पोंगल के त्यौहार के दिन वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गोपाल और उसके मम्मी पापा पोंगल से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर गोपाल क्या देखता है कि उनका जो पूरा घर होता है उसमें पूरे में हलचल मची होती है, पूरा घर अस्त व्यस्त होता है। क्यों होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, मजदूर वगैरह, उनके घर की क्या कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं। तो वो अपनी दादी माँ से पूछते हैं कि दादी माँ, क्या आज पोंगल का त्यौहार है? मैं तो सोच रहा था कि पोंगल का त्यौहार कल है। तो उसकी दादी उसे बताती है, नहीं, पोंगल का त्यौहार तो कल ही है, लेकिन आज क्या है बेटा? उसकी दादी माँ उसे बताते हैं कि पोंगल के त्यौहार से एक दिन पहले का और बाद के दिन का क्या होता है, बहुत ही महत्व होता है। आज भोगी का दिन है। इस दिन तमिल लोग होते हैं, जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस दिन अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, जो पुराना बेकार सामान मिलता है उसकी क्या कर देते हैं, होली जला देते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी दादी माँ उसे बताते हैं कि आज पोंगल का दिन नहीं है, पोंगल से एक दिन पहले के दिन को क्या बोलते हैं, भोगी का दिन बोलते हैं। और इस दिन तमिल लोग क्या करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और जो पुराना बेकार सामान घर से निकलता है उसकी क्या कर देते हैं, होली जला देते हैं। और क्या करते हैं, और छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे ढोल पीटते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर विशेष रूप से पटाखे तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ पर तमिल दक्षिण भारत में क्या किया जाता है बेटा, बच्चों के लिए छोटे छोटे ढोल बनाए जाते हैं, विशेष रूप से इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। बेटा अब हम आगे रीड कर रहे हैं, भोगी पोंगल ऋतुओं के राजा देवराज इंद्र को समर्पित है। दादी माँ बताते हैं कि जो ये भोगी का दिन होता है, ये हम जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र हैं, उनकी पूजा इस दिन हम करते हैं। जो इंद्र है वो नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। आगमन इनमेंट होता है आना, कहते हैं जो इंद्र देवता होते हैं वो नई ऋतुओं के आने की घोषणा कर देते हैं। इस ऋतु में पेड़ पौधों पर नई कोंपले और फूल आ जाते हैं, इसलिए लोग भी नया जीवन आरंभ करने को उत्सुक रहते हैं। इस मौसम में क्या होता है बेटा, इन दिनों जनवरी के दिनों में वहाँ क्या होता है, दक्षिण भारत में फूलों नए पेड़ पौधों पर नए नए फूल आ जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं, फूल आ जाते हैं, तो लोग भी क्या होते हैं, अपना नया जीवन शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। नया साल शुरू हो जाता है तो नया जीवन शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। शाम को जब घर में सफेदी हो चुकी थी तो फर्शों को रगड़ रगड़ कर धोया और पोंछा गया। गोपाल आगे क्या कहता है कि जब सारी साफ सफाई हो गई तो शाम को क्या किया, घर में फर्शों को धोया गया और पोंछा गया। फिर गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई। आकृति बेटा क्या होती है, ढांचा होता है, कोई पिक्चर होती है। जो नई फसल इन दिनों पोंगल के दिनों में उतरती है ना चावल की, उसका आटा बनाकर उसकी दादी माँ ने क्या किया, उससे कुछ पिक्चर बना दी, आकृति बना दी। इस पिक्चर को, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, कोलम बोलते हैं। माँ ने कहा यह कोलम हम नई फसल के चावल से बनाते हैं। गोपाल की दादी माँ उसे बताती है कि जो चावल की नई फसल आती है उससे ये आकृतियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। अगले दिन घर में के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। भोगी से अगले दिन क्या हुआ कि लोग, जो घर के मेंबर्स थे, वो जल्दी उठे और नहा धोकर क्या हो गए, तैयार हो गए। दरवाजे के ठीक बाहर बहुत बड़ा अलंकृत कोलम था। अब क्या गोपाल ने उठकर क्या देखा कि दरवाजे के बाहर अलंकृत में होता है सजा हुआ कोलम। मैंने आपको भी बताया आकृति होती है, कि दरवाजे के बाहर भी उसकी दादी माँ ने एक बहुत सुंदर आकृति बना रखी थी। यह कोलम विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है, कहते हैं ये सूर्य देवता को खुश करने के लिए बनाया जाता है। पोंगल पर सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। भोगी के दिन तो देवराज इंद्र की पूजा की जाती है और पोंगल के दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। रसोई घर की ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, भीनी भीनी मेरा हल्की हल्की, मुझे मालूम है इसमें क्या पक रहा है, शर्करी
पोंगल है ना दादी, गोपाल ने पूछा। जब गोपाल ने देखा कि किचन से क्या है, हल्की हल्की खुशबू आ रही है, तो गोपाल समझ गया कि आज उसकी दादी माँ क्या बना रही है, शर्करई पोंगल बना रही है। हो सकता है, पर जब तुम नहा धोकर नहीं आओगे जब तक, तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी, दादी ने कुछ अकड़ते हुए कहा। गोपाल की दादी उसे बताती है कि जब आप नहा धोकर आओगे तभी आपने इसको टच करना है। क्या इसे ही पोंगल पानी कहते हैं? तो गोपाल अपनी दादी माँ से पूछते हैं कि जिस बर्तन में शर्करई पोंगल बनाया जाता है, शर्करई पोंगल क्या होता है बेटा? एक तरह की खीर तैयार की जाती है। तमिल लोग क्या करते हैं, ये पोंगल के दिन एक नया मटका ले लेते हैं, उसमें चावल दूध और गुड़ डालकर एक तरह की खीर तैयार करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, शर्करई पोंगल कहते हैं। और जो जिस बर्तन में ये बनाया जाता है उसे पोंगल पानी बोलते हैं। गोपाल ने चूल्हे पर रखे बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछा। दादी बोली, जिस बर्तन में शर्करई पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानी कहलाता है। यह बर्तन के गले में क्या बंधा है, गोपाल ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य होता है बेटा हैरानी। गोपाल ने देखा कि जिस मटके में शर्करई पोंगल बंधा हुआ है उसे कुछ बांधा हुआ है, तो वो अपनी दादी माँ से पूछता है कि आपने इसे क्या बांधा है। हल्दी का पौधा, तमिल लोग हल्दी को बड़ा पवित्र, पवित्र मीन होता है बेटा शुभ मानते हैं, जिस तरह हम लोग तुलसी के पौधे को बहुत शुभ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तमिल लोग हल्दी के पौधे को बड़ा शुभ मानते हैं। इन दिनों एक और चीज की भी फसल उतरती है जो पोंगल पर खूब मिलती है, बुझो तो वह चीज क्या है, दादी माँ बोली। दादी माँ गोपाल से पूछती है कि जनवरी के महीने में या पोंगल के दिनों के आसपास चावल की फसल तो उतरती है, एक और फसल भी उतरती है। गोपाल से पूछती है कि आपको पता है फसल कौन सी है। गोपाल ने बहुत सोचा पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे भूल गए, ईख, दादी माँ ने झट से कहा। दादी माँ उसे बताती है कि ईख की फसल भी उतरती है। ईख क्या होता है बेटा, गन्ने को बोलते हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का सोनू आ पहुंचा। अभी गोपाल और उसकी दादी माँ बातें कर रहे थे, इतने में सोनू आ गया। उसे देखते ही दादी जी ने तमिल भाषा में उससे पूछा, पालपोग्रीट, पालपोग्रीट का क्या मतलब होता है बेटा, कि क्या तुम्हारे घर में दूध उबल गया है। तमिल लोग होते हैं पोंगल के दिन एक दूसरे को जब मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में दूध उबल गया है। जी उबल गया है, सोनू बोला। गोपाल चकित खड़ा देख रहा था। तब दादाजी ने समझाते हुए कहा कि पोंगल के त्योहार पर यह बात कहकर लोग एक दूसरे का स्वागत अभिवादन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। स्वागत अभिवादन का क्या मतलब होता है बेटा, आदर सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। चावल और दूध का उबलना इस बात का प्रतीक है कि घर धन धान्य से परिपूर्ण है। धन धान्य बेटा तो पैसे रुपए से घर भरा हुआ है। अगर हम जवाब देते हैं कि हाँ हमारे घर में दूध उबल गया है, तो इसका मतलब जो हमारा घर है वो पैसे से रुपए से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तुम जानते हो पोंगल शब्द का क्या अर्थ है? कहते पोंगल वैसे तो एक विशेष त्योहार है तमिल लोगों का, दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला, पर इसका अर्थ होता है परिपूर्ण होना, वह बोले। फिर दोनों बालकों ने गडेरियों से जेबें भर ली और बाहर दौड़ गए। गडेरिये क्या होते हैं बेटा, गनेरियां, जो हमारे यहाँ मार्केट में कई बार जाते हैं देखते हैं कि छोटे छोटे गन्ने के पीसीज करके रेडीज लगी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गनेरियां। दोनों बच्चों ने उसमें अपनी पॉकेट में भर लिया और बाहर चले गए। एकाएक गोपाल को उन बैलों की याद आ गई जो उनके बाल्यकाल में गांव की गलियों में दिखाई पड़ते थे। बाल्यकाल होता है बचपन। फिर कहते हैं गोपाल को याद आई कि बचपन में गलियों में पोंगल के दिनों के आसपास बैल दिखाई पड़ते थे। सोनू बैल कहाँ हैं, गोपाल ने उनसे पूछा। दादी ने कहा कि माटू पोंगल के दिन वे दिखाई देंगे। तो गोपाल अपनी दादी माँ से पूछता है कि अपना सोनू बैल कहाँ है, तो उसकी दादी माँ कहती है जो पोंगल से अगले दिन त्यौहार मनाया जाता है माटू पोंगल, उस दिन वो दिखाई देंगे। माटू पोंगल पर, पोंगल पर बड़ा मजा आता है, बैलों के मालिक उन्हें खूब सजाते हैं, फिर एक कपड़े में रुपए बांधकर उसे बैल के गले में बांधकर उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। जो कोई ऐसा करने में सफल होता है पोटली में बंधे रुपए उसी के हो जाते हैं। माटू पोंगल के दिन क्या होता है बेटा, जो बैल होते हैं उनको सजाते हैं और एक पोटली में पैसे बांधकर बैल के गले में बांध देता है। जो उस बैल पर कंट्रोल कर लेता है, काबू कर लेता है, वो पैसे उसी के हो जाते हैं। जो तमिल लोग ये खेल खेलते हैं उस खेल को क्या बोलते हैं, मंजू विरुट्टू कहते हैं। ठीक है बेटा, घर आकर गोपाल दादाजी से जिद करने लगा कि माटू पोंगल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। वे बोले, हाँ हाँ बताता हूँ, सुनो, माटू पोंगल के दिन हम पशुओं के प्रति कृतज्ञता क्या होते हैं बेटा, एहसान मानना, क्योंकि पशु हमारी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो तमिल लोग उनके प्रति माटू पोंगल के दिन क्या, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि वे पूरे साल हमारी सेवा करते हैं।
कल दादी माँ अपनी गायें पार्वती के मस्तक मिनोते माथे पर हल्दी कुमकुम लगाएगी और उसके गले में पुष्पहार डालेगी। पुष्पहार क्या होता है बेटा? पुष्पों की माला, पुष्पों का हार। उसकी पूजा करेगी, फिर उसे पोंगल खिलाया जाएगा, फिर गायें को बैल को क्या खिलाया जाएगा? पोंगल, शर्करई पोंगल खिलाया जाएगा। अगले दिन सभी ने माटू पोंगल मनाया और गोपाल खुशी से झूम उठा। अगले दिन गोपाल के घर में माटू पोंगल मनाया गया। गोपाल को बहुत ही मजा आया, वो खुशी से झूमने लगा, बहुत खुश हो गया। बेटा इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। और दूसरी बात, जो पशु हैं हमारी सेवा करते हैं, हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। बेटा यहाँ पर जो हमारा ये जो चैप्टर 6 है पोंगल का, एक विशेष त्यौहार, ये खत्म होता है, समाप्त होता है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है और जो मैं इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी उसे भी आपने करके मेरे पास भेजने हैं। बेटा थैंक यू।